সমগ্র বিশ্বের পাশাপাশি আমাদের দেশেও করোনা থাবা এবং দিনের পর দিন লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে আমাদের দেশে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। এমতো অবস্থায় এই করোনা আক্রান্তে বলিউডের সায়েন্স অমিতাভ বচ্চন, আর এই বলিউডের সায়েন্স অমিতাভ বচ্চনের দ্রুত আরোগ্য কামনায় দেশের বিভিন্ন প্রান্তে প্রার্থনা করছে অমিতাভ বচ্চনের ফ্যানেরা। সোমবার কোন্নগরের সায়েন্স অমিতাভ বচ্চনের আরোগ্য কামনায় হোম যজ্ঞ মাজারের চাদর চড়ল কোন্নগরের অমিতাভ বচ্চন ফ্যান ক্লাবের সদস্যরা। ফ্যান ক্লাবের অন্যতম সদস্য তথা তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠনের নেতা অশোক মুখার্জির উদ্যোগে এদিন হোম যজ্ঞ এবং মাজারের চাদর চড়ানো হয়, যা দেখছেন আপনারা সব খবরের পর্দায়। হুগলি থেকে শুভজিৎ ঘোষের রিপোর্ট, সব খবর। आज पूरा दुनिया कोरोना से जूझ रहा है, हमारा कुन्नगर भी इसके अलग नहीं है। और अचानक हमारा सर्दियों का सबसे जो महानायक है अमिताभ बच्चन, जो इकबाल है कोहली का, उसको सलामत रखेंगे। पूरा दुनिया का इंसान जो भी कोरोना में आक्रांत हुए है, इन सबको जितना जल्दी से जल्दी ये लोग स्वस्थ हो जाए, इसके लिए हम आज यहाँ मजार पे आया, उधर मंदिर में भी गया था। हमारा महानायक जैसे कुली से लेके बहुत सारे फिल्म में
वो रोल अदा किया, वो कभी इकबाल, कभी वही अमर, कभी वही एंटनी, वही विजय, तो उसको सही सलामत अपना घर भेज देंगे ये दुआ करने के लिए। और बाकी सब लोगों को, आज पूरा दुनिया जूझ रहा है जो कोरोना से, इसको रोकने के लिए, लोगों को नॉर्मल ज़िंदगी में लाने के लिए आज हम यहाँ चादर चढ़ाया। और सब लोगों से ये अपील कर रहा है, जो सरकार को जो बात बोल रहा है, मास्क पहन के आइए, इधर उधर घूमना मत करो, ये कोरोना को हम सब मिलके एक ना एक दिन जरूर जीत लेंगे। हम लोग हमारा अपना नॉर्मल ज़िंदगी में जाएंगे, और हमारा महानायक जल्दी वापस आए। जितने भी कोरोना पीड़ित अभी है हमारा यहाँ कुन्नगर का, देश का, जहाँ का भी है, जो भी हो, ये नहीं बड़ा लोग क्या, कौन पैसा वाला, कौन गरीब आदमी है, ये देखता नहीं है। कोरोना कोरोना को जूझना होगा एक साथ मिलजुल के। यहाँ का लोग हम लोग देखा है लॉकडाउन का पीरियड में, इस पड़ा इस यहाँ का लोग कैसे लोगों का पास खड़ा रहा। हमारा वहाँ भी स्टेशन का तरफ भी ऐसा किया है, जो आम इंसान मिलके जैसे हम लोग लोगों का पास खड़ा हुआ था, आज ऐसे ही हम लोग सबके लिए दुआ मांगने इधर आया है, और ये दुआ जरूर कबूल होगा। धन्यवाद।